साफ है जी। हम गैंगस्टर के भजन तो बाद हालात पैदा हुए ने, वो तो निराशा भी हुई है सब परिवार को। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक योजा जरिए जिदे जरिए आप अपने मन की गल दस सकते हैं सारे, वो तो जी सी आई इंचार्ज है, वो तो जी कार्रवाई सख्ती होनी चाहिए। की कहोगे लंबे समय तो इंसाफ की मांग कर रहे थे होर दोषियों खिलाफ कार्रवाई की, तो दो जिहड़ा मुलजम फड़िया से वह भी पुलिस दी तो भज चुका गया, जिते उन्होंने अपनी रिहायश के उपर रखा गया। देखो जिस तरह का वर्तारा सोशल मीडिया तो जो जानकारी मिली है, देख भी इस तरह इन्ने वड्डे अपराधी इन्ने सौखी तरह नाल वो अपने नाल ले फिर माड़ी गल है, क्योंकि जिम्मेवारी तो भजन वाली गल है, तो इतने जरूर कोई सख्त कार्रवाई अमल लिया गई है। कल भी सोशल मीडिया से जो मैडिकल ले लिजाया गया तो बहुत टौर नाल मतलब कह सकते हैं बिना मायूसी तो जो प्रितपाल सी आई इंचार्ज जो सी आई आई इंचार्ज है बड़े मतलब टेंशन फ्री होकर जो मैडिकल कराने जाते किमें देखते हो। देखो जे तो हम पब्लिक डोमेन की गल करिए उत्थे बहुत कुछ चली जाता, कोई ना कोई तो गल हैगी है। देखा है ना एवं कोई किसी को बिना सीनियर अफसर भरोसे च लाए बिना आपके नाल किमें ले लूगा, ये गल विचार वाली गल है। जी मानसा पुलिस तो जो उम्मीद करिए भी वो ये दुधो पानी छान देंगे, मैनू नहीं लगता इस गल जी जाँच है किसी एजेंसी तो करनी चाहिए है, और इनू इतों शिफ्ट करके किसी होर पुलिस को सौंपना चाहिए। जो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान थोड़े को आए थे, भगवंत मान ने थोड़े कहा भी असी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तो एक तो इंक्वायरी करावे, एक एजेंसी को भेजने की गल की, वादे किए थे कि सरकार कोई गलबात नहीं हुई जी। देखो मैं एक बार उन्होंने मानसा में जरूर मिलया, तो असी मैं इस गल के हक सी भी सीटिंग जज तो करवाई जाए, वो उन्होंने सारे को जो पैनल भेजा और रिटायर जज का भेजता, इस करके उसते गल अगे बढ़ नहीं सकी, रिटायर तो असी नहीं सहमत सी और सीटिंग का उन्होंने नहीं दिता, तो वह गल बिच ही रही।